फिर से सोलो डांस की ओर से डांस किया इस छोटी सी बच्ची ने। काफी कम उम्र में उन्होंने काफी अच्छा टैलेंट। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरों से ताली होनी चाहिए। काफी शानदार डांस है इनका, ब्लू आईज। अरे वाह, अरे वन एंड ओनली खान सर एंड आनंद कुमार राजे एंड यूट्यूब ब्लॉगर दीपक डी ब्लॉग के क्रिएटर। जगह तो देखने के लिए नहीं 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 काफी आसान कॉम्पिटिशन रहा बच्चों के बीच में और बहुत ही अच्छा टैलेंट देखने को मिला हमारे किला क्वार्टर के बच्चों के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो उन्हें बता दिया जाए कि हर वक्त डांस कॉम्पिटिशन होने जा रहा है तो 10 दिन पहले ही डांस प्रिपरेशन शुरू कर दें। सीखे नहीं है घूम रहे थे कोई योग अब रिजल्ट पर आते हैं। सो डांस में थर्ड पोजीशन जो लाई है उनका नाम है अर्चिका कुमारी। मैं अपने अतिथि से उनको अवार्ड मेडल नवाजे। अर्चिका कम ऑन स्टेज, हमारे कमिटी मेंबर के सारे सदस्य अवार्ड और जो भी मेडल्स हैं या जो भी पुरस्कार है उसे लेकर आए। अरे बाबू हमारे आप लेकर आए, बच्चों को नवाजा जाएगा, अपना डांस हुनर यहाँ दिखाया और कृपया तालियां बजाते रहे। बच्चों को उत्साह बढ़ता है और मोबाइल गायन स्वरूप अरे पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। बनती रहनी चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो क्या करते हैं इस बार ग्रुप डांस में ज्यादा प्रतिभागी शामिल नहीं हुए, दो ही टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। अब ग्रुप डांस की बारी। अब मैं बुलाना चाहूंगा रौनक प्रियांशु चीकू सारे ग्रुप मेंबर से जो आए और अपना मेडल एक्सेप्ट करें। कम ऑन द स्टेज रौनक चीकू गोपू परी गोपू सारे बच्चे आ जाएं और अपना अवार्ड लें। काफी बेहतरीन डांस किए इन्होंने। कौन सी चब गया क्या भी आशीष हमारे नन्हे कलाकार जो सब स्टेज पे नहीं है उनके बिहार से श्री सत्यो के अंकल का अवार्ड रूम का सेकेंड पोजीशन हासिल किए हैं सोलो डांस में वो है संध्या कुमारी। कम ऑन द स्टेज संध्या कुमारी, काफी बेहतरीन ढंग से डांस किया इस छोटी सी बच्ची ने। काफी कम उम्र में उन्होंने काफी अच्छा टैलेंट हासिल कर लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज, बच्चों को उत्साह बढ़ता है। तालियां प्लीज संध्या कुमारी के लिए। हमारे लेट से चल रहा है संध्या कुमारी को मेडल से नवाजेंगे। तो
तोरो फोटो खींचते रुको। अरे इधर घूम, लक्के का फोटो खींचे टकला टकला चॉकलेट ले आप लोगों चॉकलेट पहन रखा करो समझे डांस में सेकंड पोजीशन हासिल किए हैं वे दो बच्चे हैं कॉलोनियल सुनीता कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर अवार्ड कॉलोनियल सुनीता कौन था मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा रंग लाल चाव से कि वो बच्चों को मेडल से नवाजे अरे रे प्रियांशु प्रियांशु अपने सर को चॉकलेट मैं खा सकता था अपने सर को चॉकलेट अब अरे प्रियांशु हम अपने एंकर श्री माइक देना चाहूंगा वो पोजीशन के लिए नामों की घोषणा करेंगे चॉकलेट दो जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन किए हैं जो सोलो डांस जो डांस एंड ग्रुप में किए हैं उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे जज आज के जजेस श्री शैलेश सर प्लीज कम ऑन द स्टेज और हमारे फर्स्ट जो बच्चे आए हैं उनको पुरस्कृत करें प्लीज सर जो सोलो डांस में फर्स्ट पोजीशन आए हैं उसे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संजना कुमारी प्लीज कम ऑन द स्टेज और इसके लिए मैं पुरस्कृत करने के लिए श्री शैलेश सर प्लीज कम ऑन द स्टेज बच्चे को पुरस्कृत करें और उसके दोस्त बुला गया अब चलते हैं डुओ डांस में जो फर्स्ट पोजीशन रहे हैं जो डुओ डांस में फर्स्ट पोजीशन आए हैं वो है मिस्टी एंड छोटी प्लीज कम ऑन द स्टेज जोरदारी ताली होनी चाहिए छोटी एंड मिस्टी के लिए इस बार प्रोफेसर मैन आएगा अरे तोरा बोलना नहीं जिसको यूट्यूब में आया सो आगे जाओ इतना सारा लड़का लग गया सीरियस अरे कितना लड़का हम तो दिख रहा है आ बैठ जाओ हां फिर अंदर आ जाओ बैठो वहां बैठो दोनों भाई अंदर बैठो दूसरे लोग जान जाएगा दूसरे लोग ही जाने का समझ रहे तुम 283 लोग सब्सक्राइबर तो नहीं है और आगे ना वीडियो में आएगा हम एडिट कर देंगे एडिट कर दिया एडिट कर हटा देंगे आते हैं ग्रुप डांस में ये तो पता चल गया होगा आप लोग कंद्रु कौन है फर्स्ट पोजीशन कंद्रु आई होप गेस कीजिए कौन हो सकते हैं कंद्रु कंद्रु एनी गेस कंद्रु कंद्रु एनी गेस कंद्रु कंद्रु नो वन चलिए कोई बात नहीं मैं उसे अनाउंस कर देता हूँ फर्स्ट आए हैं उनको सम्मानित करें पुरस्कृत करके बच्चे लोग को चलो और कोई मोटा भाई ग्रुप को मैं बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है मिलेश एंड ग्रुप प्लीज कम ऑन द स्टेज जोरों से ताली होनी चाहिए काफी शानदार डांस रहा इनका ब्लू आईज काफी जबरदस्त रहा इनका डांस ब्लू आईज पे स्टेप वाइज के साथ हम देखे नहीं थे अरे चीटिंग करता जाओ मेडल अरे वाह अरे अरे हमारे थोड़े के बीच हमारे जो जजेस हैं शैलेश सर वो एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं आई थिंक मुझे भी नहीं पता है क्या है वो क्या नहीं किनका नाम लेंगे क्या है तो खुद आकर अनाउंस करेंगे तो मैं माइक उनको देता हूँ प्लीज सर आज सरस्वती पूजा के अवसर पर मुझे मौका मिला है सरप्राइज अनाउंसमेंट करने की मैं कई महीनों से सोच रहा था कि एक ऐसे भरते हुए एक है का नाम अभी पता चल जाएगा उन्होंने शिक्षा और कुछ नई नई चीजों को लेकर बच्चों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और बच्चों को तकनीकी रूप से मानसिक रूप से निपुण करते जा रहे हैं मतलब बच्चों को एक टैलेंट दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके लाइफ फ्यूचर में उनका नाम है वन एंड ओनली खान सर एंड आनंद कुमार एंड यूट्यूब ब्लॉगर दीपक दी ब्लॉग के क्रिएटर अरे
जगह तो देखने के लिए नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि शिपा जी दो शब्द बोले, वो बच्चा के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बच्चे उनसे इतने प्रभावित हैं और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि बच्चे ऑटोमेटिकली, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ता है और कुछ दिन हुए हैं वहाँ ज्वाइन किए हुए और आज मेरा बच्चा सही ढंग से पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स भी ला रहा, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू दीपक फॉर दिस अचीवमेंट। दीपक भैया दो शब्द अच्छे से बोलिए। लेकिन बात ऐसी है कि बच्चे लोग सिर्फ टीचर के वजह से ही नहीं पढ़ पाते हैं, खुद टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट ही मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट को मोटिवेशन खुद ब खुद रहना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और खुद ब खुद अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ता है, तो उसमें मेरा बड़ा योगदान नहीं है, ज़्यादा योगदान तो हमारे स्टूडेंट का ही है, तो मैं इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मेरा चैनल सीपर डिप्लोमा का सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so much, sir, and Sipal here for this year achievement. I hope you so happy. इसके लिए जोर अलग से ताली तो होनी चाहिए। क्योंकि ये बच्चे को दिल में बस चुके हैं। मैं बच्चे लोग को अनाउंस करना चाहता हूँ कि वो नाराज ना हो जो बच्चे फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पोजीशन नहीं आए हैं, बट उनके लिए भी कुछ प्राइज रखा हुआ है, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो बच्चे को फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पोजीशन नहीं मिला है, सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, वो एका करके स्टेज पे आए। तो बच्चे जो जो पार्टिसिपेट किए हैं, आप सीरियल होकर एका करके आए और अपना जो भी गिफ्ट है उसे लेके जाए करें, ताकि जो समय इतनी ज्यादा हो चुकी है प्रोग्राम को समाप्त भी किया जा सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।